किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलसी की खेती के बारे में। साथियों आप जो सामने वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारी अलसी की खेती है जो कि हमने इसको लगभग आज से 1.5 महीने पहले लगाया था। और साथियों अभी आप देख पा रहे हैं इसमें अच्छा प्रूनिंग हो रही है, अच्छा फुटाव हो रही है। और हमने इसकी बीज दर जो रखी है वो लगभग 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमने इसमें इसकी बीज दर रखी है। और अगर एकड़ में बात की जाए तो साथियों ये 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर हमने रखी है। और इतनी कम बीज दर रखने का कारण ये है साथियों कि हमने सीड ड्रिल से बुआई की है। और सीड ड्रिल से बुआई अगर आप करते हैं तो बीज व्यवस्थित लगता है खेत में और ज़्यादा बीज का नुकसान नहीं होता है और बीज ऊपर भी नहीं गिरता तो आसानी से बहुत ही शानदार ये फुटाव करता है। आपको एक पौधा निकाल के दिखा देता हूँ इसका। अभी इसका इसमें काफ़ी अच्छे कल्ले बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली 2-3 पौधे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे एक पौधे के आपको कल्ले दिखा देता हूँ। ये सिंगल पौधा मेरे हाथ में है, उसमें अभी 4 कल्ले भी बने हुए हैं। इस प्रकार से इसमें 4 कल्ले बने हुए हैं और बहुत ही शानदार स्थिति में अभी है खड़ी हुई है। और साथियों इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि हमने इसमें अभी तक ना तो कोई खाद दिया है और ना ही इसमें कोई स्प्रे वगैरह किया है और ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी दिया है। साथियों अभी तक हमने इसमें एक बार, सिर्फ एक बार, ये आश्चर्य की बात नहीं है, बाकी हमने इसको सिर्फ एक बार इसमें पानी दिया है और दूसरी बार पानी अभी हम देने वाले थे। बाकी इसका अभी जो भी मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है और बारिश भी हुई हमारे क्षेत्र में तो इस वजह से हमने इसमें दूसरी बार पानी दिया नहीं था और इसमें दूसरा पानी बारिश के कारण इसमें दूसरा पानी मिल चुका है। और इसमें खाद हम इस बार अभी अगर ये पानी नहीं बरसता, बारिश नहीं होती तो हम इसमें खाद का छिड़काव करके इसमें हम पानी देने वाले थे। ताकि एक दो दिन में बारिश हो गई और इसमें खाद हम दे नहीं पाए, इसमें अभी तक तो कोई खाद दिया नहीं हमने। बस इसमें अभी एक चीज़ और होगी कि अभी कहीं कहीं आपको बीच बीच में खरपतवार दिख रहे होंगे, जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से बीच बीच में खरपतवार उगे हुए हैं, गाजर घास और ये चील है और एक और एक सकरी पत्ती वाला जो पौधा रहता है इसको हमारे यहाँ पे कांदा कोरी बोला जाता है देसी लैंग्वेज में, बाकी आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है ये आप जानते होंगे। तो ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो इसको इसमें दवाई स्प्रे किया जाएगा और दवाई स्प्रे करने के बाद में इसमें खाद छिड़काव करके पानी दिया जाएगा। और साथियों अभी इसमें लगभग लगभग 15 दिन तक इसमें 15 दिन के अंदर अंदर इसमें फूल आ जाएंगे, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगा। और सबसे मेन कारण हमने अलसी इसलिए लगाया क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता इतनी ज़्यादा होती नहीं है और बहुत ही सीमित मात्राओं में अगर आपके पास पानी है, यानी कि कम मात्राओं में पानी है, तो आप इसको बहुत ही कम पानी में इसकी खेती कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कम पानी की फसल है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होते नहीं हैं, ज़्यादा खर्च इसमें होते नहीं हैं। आप इसमें खरपतवार भी कम उगता है क्योंकि अब पानी इसको कम मिलता है तो कम पानी में खरपतवार भी कम उगता है और इसमें कोई डिजीज़ आता भी नहीं है। प्लस में इसमें ना तो कोई गायें खाती इसको, ना ही कोई घोड़ा रोजड़े वगैरह इसको खाते हैं। तो साथियों ये बहुत ही शानदार फसल है और इसकी पैदावार लगभग लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसमें पैदावार हो जाती है। हमारे यहाँ पर एक बीघा होता है 22,500 स्क्वायर फीट का, तो एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 7 से 8 क्विंटल के आसपास की पैदावार हो जाती है एक एकड़ में। तो साथियों बहुत ही शानदार चीज़ है और साथियों पैदावार के हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट हमको लगी है। हमने पिछले साल हमने तो फर्स्ट साल ही लगाई, बाकी हमारे परिवार में पिछले साल काफ़ी सारे जानों ने लगाई थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका रहा था। इस साल बारिश कम हुई थी इस वजह से थोड़ा पानी का थोड़ा संकट मंडरा रहा था, इसलिए हमने
अलसी की बुआई की है। और आगे आप इस वीडियो में इस चैनल से जुड़े रहें, आपको हर एक इसकी जानकारी मिलती रहेगी और कितनी क्या पैदावार होती है, क्या क्या इसमें खर्च रहते हैं, क्या क्या इसमें दवाई का शेड्यूल वगैरह या फिर खाद का शेड्यूल वगैरह रहता है, आपको समय पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।